दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बरेली में। इन फरिश्तों की वजह से कोई भूखा नहीं सोता विश्व खाद्य दिवस पर। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों तमाम योजनाओं के बाद भी हमारे देश में भूख और कुपोषण की समस्या से निजात नहीं मिल रहा। इसके लिए तमाम सामाजिक संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम बरेली की बात करें तो कई लोग सामूहिक रूप से भूख के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है, ये लोग संस्थाएं बनाकर कम से कम दरों पर गरीबों को खाना और सम्मानजनक तरीके से भोजन मुहैया करा रहे हैं। जी हाँ, खुश लोग अस्पताल के ठीक सामने सबकी रसोई में 1 बजे भीड़ जुटना शुरू हो जाती है। 22 जुलाई 2018 को नर नारायण सेवा को मूल मंत्र मानते हुए रसोई शुरू की गई थी। 1 बजे से लाइन लगाकर भोजन वितरण शुरू होता है। यहाँ लोगों को भरपेट भोजन कराया जाता है। समय समय पर आइसक्रीम, रसमलाई, रबड़ी आदि का वितरण किया जाता है। टोकन मनी के रूप में 10 रुपए लिए जाते हैं, मगर बच्चों से कोई पैसा नहीं लिया जाता। सुबह से ही 4 कारीगर भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। सबकी रसोई से प्रेरणा लेकर बरेली में ही नहीं कई शहरों में लोगों को ये काम दिया जा रहा है। रामपुर गार्डन में पंकज अग्रवाल, प्रभात किशोर, रमेश चंद्र अग्रवाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर 6 दिसंबर 2018 को ये रसोई सीता शुरू की थी, जिसमें 350 लोगों को खाना दिया जाता है। उनसे टोकन के रूप में 10 रुपए लिए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कई लोग यहाँ पर बिना पैसे के भोजन भी कर सकते हैं, जो गरीब हैं या जिनके पास पैसा नहीं होता है, ये लोग गरीबों को खाना मुहैया करा रहे हैं। वहीं लंगर ऑन द व्हील भी लड़ रही है भूख से। ये भी पंजाबी महासभा का एक लंगर है जो गरीबों को भोजन बांटने में मदद करता है। रोटी भी है एक बड़ा खासा बैंक। जी हाँ, रोटी बैंक की शुरुआत हुई है। रोटी बैंक ने पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों को भोजन दिया है, तो ये बच्चों को पिज्जा, केक, पेस्ट्री भी देते हैं। ये संस्था दिन रात भूख मिटाने के लिए जुटी हुई है। क्या कहेंगे आप, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।